स्वागत है आप सभी का एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे और हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि कैसे जो है आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना है। हालांकि हमने ये डिज़ाइन काफ़ी छोटा बनाया है, यानी कि ये जो है 4.5 इंच के अंदर जो है हमने बनाया है। और अगर आप इसके मतलब ये जो डिज़ाइन आप बनाने जा रहे हो, तो अगर आपके पास ये 6 इंच या फिर 8 इंच का जगह है तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। यानी कि छोटा में जो है थोड़ा बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर आपका लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो और भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे 3 कलर में जो है डिज़ाइन लिया है, और सभी के जो है यहाँ पे जो बीट है, हमने जो पट्टी काट के रखा है वो 1 इंच के अंदर कटिंग करके रखा है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 कलर का यूज़ में लिया है। देख सकते हो व्हाइट कलर है और येलो और ग्रीन, ठीक है। अगर आपके पास कोई और कलर है तो आप ले सकते हो, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से कलर आप ले लें। तो अब हम बनाएंगे फर्मा। तो देख सकते हो यहाँ पे फर्मा बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है, अगर आपके पास 4 इंच का बीट है, तो देखो यहाँ पे जो है मेरे पास 3.5 इंच का बीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पट्टी है 3.5 इंच का पट्टी है, आप एक बार फिर से देख लो, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों को जो है 9 सेंटीमीटर एक और मार्किंग कर देना है, और ये जो मार्किंग है यहाँ पे जो मार्किंग आएगा ना, वहाँ पे इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद ये लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। और जब आपका कटिंग हो जाता है तो यहाँ पे जो है आपको फर्मा पे ऐसे बना लेना है, ऐसे आपको पत्थर को जो है ऐसे लगा देना है, फिर आपका फर्मा जो है रेडी हो गया। तो यहाँ पे बस इतना सा स्टेप करने के बाद आपका फर्मा तो रेडी हो गया। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो है 1.5 इंच का, मतलब 1.5 इंच का जो है यहाँ पे मैंने एक और बीट लिया है 4.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4.5 सेंटीमीटर जो है आपको ये ऐसे मतलब फर्मा पे आपको जो है ऐसे लगा देना है, क्योंकि हमें जो है ये 4 इंच का जो है कटिंग नहीं करना है, हमें यहाँ पर जो है 3 इंच का कटिंग करना है। तो आपको जो है मैं अच्छे से समझा देता हूँ आगे वीडियो में। तो देखो यहाँ पे जो है इतना सा स्टेप करने के बाद जो है आपका फुल्ली मतलब जो फर्मा है वो रेडी हो गया है। अब हमें जो 1 इंच का बीट हम लोग जो है यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो 1 इंच का व्हाइट बीट लिया है, वो सिंपली ऐसे लगा के आपको कटिंग कर देना है, और फिर आपको अपोजिट टाइप पे ऐसे घुमा के कटिंग कर देना है। फिर जो है वो कटिंग करने के बाद इसको जो पत्थर जो आपने कटिंग किया है वो देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा। तो व्हाइट कलर जो है आप अपने हिसाब से कटिंग कर लेना। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो है यहाँ पे येलो कलर का जो है हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है फर्मा पे अच्छे से लगा देते हैं। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, आपको जो है ऐसे सेम कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग मशीन से इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो जाने के बाद देख सकते हो हमने एक और फर्मा जो है यहाँ पे ले लिया है, और इस फर्मा पे जो है 3 इंच का सीधा कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 3 इंच पे यहाँ पे कटिंग करूँगा। तो आपको जो है यहाँ पे 3 इंच का कटिंग कर लेना है। तो हम पहले यहाँ पे 3 इंच का कटिंग कर लेते हैं। तो एक बार कटिंग हो जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने कटिंग कर लिया है, और लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देख सकते हो हमने 3 इंच में यहाँ पे कटिंग करके रखा है। तो आपको जो है यहाँ पे 3 इंच का कटिंग कर लेना है। तो अब बारी आती है यहाँ पे ग्रीन स्टोन को कटिंग करने का। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके ग्रीन स्टोन को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आपको जो है ऐसे लगा देना है, उसी सेम फर्मा पे आपको कटिंग करना है, सब फर्मा आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पे लगा दिया है, और लगाने के बाद हम जो है यहाँ पे सीधा कटिंग करते जाएंगे। तो ज़रा अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक बार कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद जो है आपको ये जो पत्थर है आपको सीधा बस सामने से आपको घुमा देना है, मतलब सामने से स्ट्रेट लगा देना है, आपको पत्थर को घुमाना नहीं है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट यहाँ पर लगा के फिर से आपको कटिंग कर लेना है, और उसी फर्मा पर आपको कटिंग करना है जो पहले आपने बनाया था। यहाँ पर फर्मा जो है चेंज नहीं करना, वरना यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे भी जो है कटिंग कर रहा हूँ सीधा, तो वैसे ही जो है आपको भी कटिंग कर लेना। तो यहाँ पे आपको लास्ट एंड फाइनल कटिंग यहाँ पे कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एक येलो बीट हम कटिंग करेंगे, मतलब कि येलो पट्टी जो है हमें 2 सेंटीमीटर का कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लिया है, तो येलो तो है हमने कटिंग कर लिया है। अब जो है हम ग्रीन भी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमने ग्रीन भी कटिंग करके रखा है। तो येलो और ग्रीन यहाँ पे जो है दोनों कलर आपको 2 सेंटीमीटर पे कटिंग करके रखा। जैसे ही यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कटिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक 7 सेंटीमीटर का एक जो है बीट आपको ऐसे फर्मा पे मेरे जैसे लगा देना है, और लगा के जो है आपको देख सकते हो उसी फर्मा पे बस आपको वो वाला बीट जो है चेंज करना है 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपको यहाँ पे मशीन से इसको कटिंग कर लेना है। तो जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, आपको भी जो है ऐसे कटिंग कर लेना है। तो एक बार यहाँ पे कटिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद ये वाला जो हम यहाँ पे यहाँ से हटा देंगे,
और जो है देख सकते हो यह जो बिट जो है कुछ मतलब शेप जो है ऐसा दिखेगा। और फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा ऐसे लगा देंगे और लगा देने के बाद हम फिर से एक और कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। और कटिंग हो जाने के बाद देख सकते हो शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको जो है ऐसे कटिंग कर लेना है, जितना आपका ज़रूरत है आपके हिसाब से आप कटिंग कर लेना। तो एक बार ये वाला शेप आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऐसे आपको फिर से आपको उसी फर्मा पे ऐसे लगा देना है और जो है आपको जो पत्थर है वो घुमा घुमा के आपको कटिंग करना है। और इस बार हम ऐड करेंगे ग्रीन कलर, तो यहाँ पे हम लोग कटिंग कर लेते हैं एक बार। तो कटिंग हो जाने के बाद पत्थर को सिर्फ ऐसे आपको जो है घुमा देना है, जैसे मैं घुमा रहा हूँ आप देख सकते हो, बस ऐसे रोटेट कर देना है पत्थर को। तो ऐसे रोटेट करने के बाद आपको एक बार और जो है कटिंग कर लेना है और ये कटिंग जो शेप आएगा वो ट्रायंगुलर शेप का आपको एक पत्थर मिल जाएगा। तो इतना से स्टेप करने के बाद आपका जो है कटिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप आपको इंस्टॉल कर। तो जैसे कि हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है कटिंग करना, तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे से देखना है क्योंकि हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे और इस फिटिंग के वक्त हमने एक गलती कर दिया है और वो गलती आपको नहीं करना है, इसीलिए आप वीडियो को देखते रहना, ठीक है। आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, देखो अच्छे से देखना कि आपको क्या गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके फिटिंग करेंगे, तो और जो है फिटिंग करते करते हम आपको समझाएंगे कि हमने गलती कहाँ पे क्या है और आपको कहाँ पे गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फिटिंग फटाफट। तो जब तक हमारे यहाँ पे फिटिंग चल रहा है तब तक मैं आपको एक बात कह देता हूँ, अगर आप समझ लो कोई वीडियो आप देख रहे हो, मतलब YouTube में कोई वीडियो देख रहे हो और वो जो है डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है लेकिन जो है आपको समझ में नहीं आता कि ये डिज़ाइन बनाना कैसा है और कितना इंची का बिट चाहिए, कितना मतलब जो है फर्मा कैसे बनाना है, तो वो वीडियो का लिंक हमें दे देना और हमें ये कह देना कि इस वीडियो पे हमें वीडियो बना। तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर उस वीडियो को लेकर हम वीडियो बनाएंगे, फर्मा बताएंगे, सब के सब नापी भी हम लोग आपको दिखाएंगे और आपके लिए वीडियो वो हम लोग अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर ताकि अच्छे से आप समझ सको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दे देना। और अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को हमें इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इंस्टाग्राम आईडी है राजू मार्बल डिज़ाइन 786। तो इसमें जो है आप हमें डीएम कर सकते हो या फिर आप मैसेज कर सकते हो और वीडियो का लिंक हमें दे प्रोवाइड कर सकते हो, वहाँ पे जो है हम अच्छे से समझाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो है मैं गलती दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे किया था। तो हमने जो है हालांकि हमने बाद में जो है इसको सुधार भी दिया था लेकिन आपको ये गलती नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो गलती कर दोगे ना, मतलब जैसे मैं फिटिंग कर रहा हूँ, अगर ऐसे आप फिटिंग कर दोगे तो जो है बाद में आपको भी जो है यहाँ पे उसको मतलब मिस्टेक जो है वो आपको सुधारना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे मत करना। तो देखो यहाँ पे जो है ये वाला जो है येलो और जो ग्रीन आप देख रहे हो, ये जो है आपको बस रोटेट कर देना है दूसरे ओर पे, ठीक है, मतलब घुमा देना है। इसीलिए मैंने ये वाला डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और जो है इस वाले पे मतलब वैसे आपको जो है यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आपको मिस्टेक दिखा दिया कि कहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, बस उतना आपको देख लेना है। और मैं बाद में जो है यहाँ पे फिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से मैं आपको एक और वीडियो दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मैं कहाँ पे मिस्टेक किया था, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे फिटिंग कर लिया था, सब कुछ हमने रेडी कर लिया था, उसके बाद भी जो है हमें फिर से वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रहने देते तो भाई कुछ मतलब ही नहीं रहता, मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी वो बेकार हो जाता। इसीलिए जो है हमने आपको बार बार कहा कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी मिस्टेक कर देते थे तो आपको जो है आप ऐसे ही फिटिंग कर देते तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता भाई, इतना मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता। तो जब मैं फिटिंग कर रहा था मैंने नोटिस भी नहीं किया भाई मैं कहाँ पे गलती कर रहा, मतलब जो मैं जैसे मैं फिटिंग कर रहा था ना मैं बस वैसे ही फिटिंग करते जा रहा था बस। तो जो है बाद में मैंने नोटिस किया कि नहीं यहाँ पे गलती हो गया, तो हमने जो है यहाँ पे जो है फिर से हमने सुधार दिया है। तो वो वाला वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि मैं कहाँ पे यहाँ पे जो है किस डिज़ाइन को मैं चेंज कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं उतार रहा हूँ। सिंपल सा मिस्टेक था, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने जो येलो कलर का जो हमने बीट लगाया था बस आपको रोटेट कर देना है। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ, बस ऐसे घुमा के आपको लगा देना है, फिर आपका जो डिज़ाइन वो रेडी हो जाएगा। नहीं तो ये वाला डिज़ाइन कुछ मतलब ही नहीं बनता, मतलब देखने से कुछ ही नहीं लगता भाई ये क्या हुआ है।
तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बस इतना ही था वीडियो में कहने के लिए, और मेरा मिस्टेक हो गया था इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं याद था यार क्या मैं कर दिया। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार और माफ़ी मांगता हूँ भाई, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो याद नहीं था इसीलिए मैं ऐसा कर दिया, नहीं तो ऐसा नई मिस्टेक नहीं करता। तो बस इतना ही था, फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर देना यार, यहाँ पे गुस्सा मत हो जाना। तो बस इतना ही कहने के लिए और कुछ नहीं है, बस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दे देना। और एक और जल्दी हम एक और वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, जो है हमने जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग एक पीसी परचेज़ करने वाला है, तो फाइनली हमने जो है एक पीसी ले लिया है, और उसका रिव्यू मैं इसी चैनल पे करूँगा। और मतलब दो एक दिन बाद या फिर अब जब वीडियो देख रहे हो तब तक आपको वीडियो वो वाला वीडियो शायद मैं अपलोड कर दूँ, तो चैनल पे हमारे साथ बने रहना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।